ये साड़ी और इसमें तो साथ में बेबी के भी कपड़े उड़ा दिया है मम्मी ने। ये हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और व्लॉग के स्टार्टिंग में इनसे जब बाहर क्या हुआ देखो, सुबह आई मैंने शेक बनाया पिया, उसके बाद एमी को सुलाने में लगी, नहीं सोया, उसकी दादी आ गई, मैंने बोला आप बैठो, मैं किचन में आ गई, रोटी बनाई, उसके बाद इतनी गर्मी लगी 5-7 मिनट पसीने सुखाने के, सब्जी कड़ी बनी हुई थी तो वही ले ली, कुछ और बोले कि नहीं इसमें चल जाएगा काम। और फिर मैं वापसी आई और अभी मैंने जो है मित्तू के लिए चिल्ला रेडी करा, मतलब अपने लिए कर रही थी तो मित्तू आ गई, अभी एक सीखने लग रहा है तो अभी ये मित्तू को दे के अभी को दूध पिलाऊँगी, बाद में अपना बनाऊँगी और 12:30 होने वाले हैं टाइम, तो ये सीखने लग रहा है, मित्तू के लिए ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। तो ये इनका चिल्ला दही और थोड़ा सा मैंने अपनी दही में मिलाने के लिए रखा था ये, बट दही है नहीं तो मैं तो लस्सी लूँगी, खाएंगे तो खा लेंगे, लो फटाफट से खाओ, मैं बाद में खाऊंगी, मेरे को दूध पिला दूँ, आप खाओ। एमी को फीड करा दिया और इसके पापा को लिटा दिया, मित्तू ने भी खा लिया खाना, मैं रह रही हूँ, मैं अब खाऊंगी, सुला दिया उसको दोबारा से, कितनी देर सोता है देखते हैं। मैं कहूँ थे कितनी देर सोगा, पापा दिखे नीचे क्या सो, खुशबू आ जाए उठ लिया तुरंत, क्या जादू है आप सोए और आपको पापा मिल गए क्या जादू है। तो अब जी मैंने जो है अपने लिए बना लिया क्या चिल्ला, तो अब मेरा चिल्ला आ गया, सैलेड लिया है और दही नहीं थी ना, कम थी तो मैंने ना लस्सी ले ली। इसके पीछे ना अब एक बंदा परमानेंट चाहिए, नहीं तो ये गिरेगा पड़ेगा, अब देखो वहां लग रहा है इसके पड़वाएगा, नहीं पता करेगा, हाँ क्या चाहिए, फिर कैसे करेगा, ये बेड खोल रहा है, सिखा दिया इसको बार बार, इसको खोल रहा है बार बार। और तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ बहुत ही अच्छे अच्छे चीज़ें, मतलब आज मैंने बोला था ना जो हमारे घर पे गेस्ट आने वाले हैं, तो जो राकेश के फ्रेंड है तो उनकी नई शादी हुई है, तो इधर मेरे ससुराल खाना तो हमारे साइड भी वहाँ खिलाते हैं, बट मेरे वहाँ ना ऐसे मतलब देते नहीं है, मतलब कपड़े वगैरह जैसे घर परिवार में आपस में खाना खिला देते हैं, बट यहाँ पर ससुराल की साइड ये कि आपस में जिसके जिसकी यारी दोस्ती भी है ना, फ्रेंड फ्रेंड है, उनको भी खाना खिलाते हैं। और जब राकेश की शादी हुई थी ना तो उन्होंने भी इनको खाना खिलाया था, तो इसलिए फिर मम्मी भी आज बड़ी मम्मी भी इनको ना खाना खिला रही है, तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि बड़ी मम्मी क्या क्या लेके आई है, क्या क्या किस तरीके से करेंगे। दोपहर तो हो गई है, बस हम तैयारी शुरू करेंगे, क्योंकि एक तो हमारी फैमिली बड़ी है, ऊपर से गेस्ट आ जाते हैं उस दिन तो फिर स्पेशल कुछ बनना होता है, उसके लिए हमें सामान भी लेके आना है, तो हम बाहर भी जाएंगे सारे जने और फिर सामान लेके आओगे, और फिर मतलब मजा आने वाला है आज के ब्लॉग में। टोटल मिला के यह है, नई दुल्हन तो मिलवाऊंगी, मेरी नई देवरानी जो है उससे मिलवाऊंगी, और फटाफट मैं कपड़े दिखा देती हूँ कि मम्मी क्या क्या लेके आई। तो ये देखो, एक तो मम्मी लेके आई है ये साड़ी, और ये भी साड़ी है, अच्छा तीनों ही साड़ी है, एक ये साड़ी है, इसमें तो साथ में बेबी के भी कपड़े हैं, एक ये लोई है, ये पैंट शर्ट है, ये सफारी सूट है, और साथ में जो है चूड़ा दिया है मम्मी ने, ये चूड़े लेके आई है, जैसे यहाँ पे ना ये वाला ही चूड़े चलते हैं, मेरे को तो थोड़ा कम पसंद है, पर जो इधर किलो का ना फैशन वाले माने ना मम्मी इसने, है ना, तो ये शुभ भी मानते और यही पहनते, सब चूड़ियाँ नहीं डालते, बल्कि मेरे मायके की साइड सब चूड़ियाँ डालते हैं, ये नहीं डालते, तो वो हर उसका फर्क हो जाता है। तो ये सारी प्रिपरेशन कर दी है भाई हमने, फिलहाल क्या क्या सामान देंगे हम, बाकी खाने पीने का इंतजाम मम्मी ले आना पड़ेगा ना, जाना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा धूप का वेट कर रहे हैं, अगर हमारे पास थोड़ा तरस खा ले धूप चली जाए तो फिर हम जाओगे सारे जने। और इसमें तो देखो क्यूट सी ड्रेस रखी है छोटे बेबी की, कितनी प्यारी सी लग रही है छोटू सी, पर मम्मी कितने कपड़े ला लें बेरा के, छोटे बालक तीता है नु ही रहे, पर गुन जाते बस नु है, पर शगुन के हो जाए, प्यारे लगे पर बालक के कपड़े, तो सुंदर सी ड्रेस है। क्या लग रखा है, जय जय करो बेटा, जय जय कर दो, एक बार जय जय कर दो,
जाजा कर दो, कैसे करते जाजा? अरे जाजा करो यार, अभी आराम से बैठा बैठा कर रहा था बड़ी मम्मी को। जाजा कर दे एक बार, पापा को करके दिखा दे, पापा को नहीं आ रही। एक तो ना मम्मी और मित्तू जब इसको पजामी पहनाई है ना तो इसकी सैंडो कभी नहीं दबाते, देखो कितना बेकार लगता है। सैंडो दबाते है बच्चे की, ये करी पिट्टी कर, पिट्टी कर दे बेटा पापा की, पिट्टी कर दे। यो इंसान न्यू कह के मार्केट चालना यार, खुद ही दो तीन घंटे तक फोन लाग रहा, लंबी टंग वाला देख ले मम्मी। आपकी हाइट बढ़ रही है। अच्छा क्या दे रहे हैं? सही में ब्याह भाई बच्चा बढ़ा के खेल लगा उन्हें चाचा लगा। खेल ले चाचा के साथ, खेली खेली कर ले। उठ के गया वहां से, उठ के गए चल लेंगे प्रोग्राम करा थी मैं किम प्रोग्राम करा मकान डे वहां दिन के बज गए 3:30। इब्बा उठेगी उसके बाद फिर हम जाऊंगे, ये दोनों सो गए थे, फिर हम जाऊंगे नाल रोल सामान लेकर आऊंगे और थोड़े हॉर्ड भी आओगे। सही कह, नींद जो आ जा रहा हल्का सी तड़ा उठने का जी नहीं करता, मेरी गल्ला भी होया कर कोई उठाओ ना, जब मेरा हिस्सा हो जा रहा है ना यार थोड़ी देर उठ, उसने उठा कर आए थे वहां दोबारा उठा गए, मैं कह उठ ले लेट हो जाएंगे फिर चल। अरे देख लो ये मेरे पति देव बना रहे स्मूदी, अभी हमारी जो डाइट वाली है वो पियेंगे हम दोनों। देखो आपके लिए मैं स्पेशल स्पेशल खाना बनाती हूँ, नहीं बनाती तो आप तो मेरे लिए बनाओगे ना? हाँ या ना? हाँ या ना बताओ, बनाओगे है? देखो आप बदली मित्तू आज क्या हुआ पता है? आज मम्मी पूछे थे शाम ने के खाओगे, मैं मम्मी हम तो डाइटिंग पे बोली के खाओगे, चिल्ला चल्ला के दलिया बनाना, मां दलिया नहीं मां सैंडविच खाऊंगी, तो मगा ब्रेड को नहीं, तो मम्मी ने पापा तक कह दी होगी कि भाई ब्रेड लेके आना है, के चाहिए बता पानी की बोतल, तो दिन में ही जाके दोपहर में लेके आए, जबकि हमने नारनौल जाना था वहीं तो ले आते, पर पापा पहले ले लिया है। एक बार बोल दो यह चीज चाहिए बस, ना धूप देखा ना कुछ, सीधे गए हैं और ले आए, शाम ने चाहिए थे ये भी ले आए।